उत्तराखंड के पौड़ी में एक लड़के को लड़की को भगाकर ले जाने का प्लान महंगा पड़ गया और अपनी जान बचाने के लिए उसे नदी में कूदना पड़ा। वीडियो में पहाड़ी नदी के बीच दो लड़के घिरे दिखे। नदी और पहाड़ी के बीच गांव के लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। गुस्साई भीड़ से बचने के लिए लड़के पहाड़ी पर चढ़ने लगे, जिसके बाद ग्रामीण भी उन्हें पकड़ने के लिए पहाड़ पर चढ़ने लगे। लड़कों और गाँव वालों के बीच धरपकड़ का खेल कुछ देर जारी रहा। पकड़े जाने के डर से एक लड़के ने नदी में छलांग लगा दी। इसी दौरान उसका दोस्त पकड़ा गया, जिसकी ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। कुछ देर बाद लोगों ने लड़के को भी नदी से बाहर निकाला। करीब दो घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद लड़की के परिवार वाले आरोपी से शादी कराने को तैयार हो गए। मामला बैजरो इलाके का है, जहां एक लड़का दिल्ली से अपने दोस्त के साथ लड़की को भगाने उसके गांव पहुंचा था, लेकिन जब तक वो अपने मंसूबे में कामयाब होता, गांव वालों को उन पर शक हो गया और फिर जान बचाने के लिए उन्हें भागना पड़ा। दिल्ली NCR की हवा में थोड़ा सुधार होने पर सख्ती में ढील दी गई। पिछले दिनों प्रदूषण कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। उनकी वजह से राजधानी की हवा बेहद खराब कैटेगरी में पहुंच गई थी, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने 5 नवंबर से प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया था। लेकिन कुछ दिनों से हवा में सुधार होने की वजह से प्राइमरी स्कूलों को 9 नवंबर से खोलने का फैसला लिया गया, जबकि वर्क फ्रॉम होम को भी खत्म कर दिया गया। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है, हालांकि कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक जारी रहे।